हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लाइव कैंपस में लर्निंग फॉर लाइफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बहुत दिनों बाद सर्वेश पांडे से आप सभी की मुलाकात हो रही है। आज का शो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चैलेंजिंग स्टेटस को। क्या है ये चैलेंजिंग स्टेटस को और उसकी जरूरत क्या है लाइफ में? क्यों हमें बार बार अपने लाइफ में चैलेंज करना पड़ता है अपने प्रेजेंट स्टेटस को? डेफिनेटली अगर आप अपने लाइफ में पीछे जाना चाहते हैं तो बस बैठे रहे, अपने आप पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपने प्रेजेंट स्टेटस को जो भी लाइफ में है, जैसा भी है, चाहे वो अलग अलग डायमेंशन में जैसा भी है, माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, आपको उसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। एंड आज हमने ये शो क्यों रखा है, आज ही के दिन क्यों रखा है? आज से 3 साल पहले, 3 साल पहले अपने ही स्टेटस को चैलेंज किया था दो लोगों ने और उसको कंप्लीट किया था आज से 3 साल पहले। और वो जो रिकॉर्ड बना था, दैट रिकॉर्ड वॉज गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। एंड रिकॉर्ड था सबसे लंबा स्पीच देने का। दो लोगों ने एक साथ मिलकर लगभग 102 घंटे के आसपास की स्पीच कंप्लीट की थी और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गए। छत्तीसगढ़ के दो डॉक्टरों को लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का ऐसा जुनून चढ़ा है कि दोनों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाला। एक सेंटेंस में जवाब दूं कि भाई अगर जिंदा हो तो ऐसा कुछ करना चाहिए जो आज तक हमने जो आज तक किसी इंसान ने नहीं किया। अगर जिंदा हो भाई, ये अगर ये जिंदगी मिली है तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाना चाहिए, सीधी सी बात है। पर क्यों बनाना चाहिए? इशू ये है कि क्यों बनाना, हर कोई रिकॉर्ड बनाना चाहता है पर क्यों बनाना चाहिए, किस फील्ड में बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। मतलब मजाक के मूड से अब मैं धीरे से सीरियस मोड में आता हूं। ईश्वर ने हम सबको कुछ यूनिक क्वालिटीज देख करके यहाँ पर भेजा है। ये हम पहले जो है वो वानर हुआ करते थे, फिर बन मानुष किस्म का इंसान हुआ करता था, और अब धीरे ये रिफाइंड फॉर्म इंसानों का जो यहाँ पर है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग शहरों से हम ये बात करें, इवोल्यूशन हो रहा है। उसको हिंदी में वर्ड क्या है मुझे पता है, तो इवॉल्व हो रहे, सभी स्पीशीज जो है वो इवॉल्व होता है। और हमको इंसान, हम जो है एक तरह से पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर में समाया हुआ है, और एक तरह से अगर दूसरे तरीके से देखें तो एक ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल हम है। पर अगर ये प्राण हमारे अंदर में फूंके गए हैं, हमको एक मानव के रूप में यहाँ पर भेजा गया है, तो बेसिकली किसी भी प्राणी को, किसी भी इसमें जिसके अंदर में प्राण है, वो इसलिए भेजा गया है कि इवोल्यूशन हो और स्पीशीज और बेहतर हो, ह्यूमन स्पीशीज और बेहतर हो, इसलिए हमको ह्यूमन के रूप में यहां पर भेजा गया। उस स्पीशीज के इवोल्यूशन में और बेहतर इंसान बनने में हमारा कोई योगदान रहा कि नहीं रहा, और अगर हमारा योगदान रहा तो किस प्रकार से रहा, ये इंश्योर करने के लिए
हमको ईश्वर ने अलग अलग गुण दिए हैं, किसी को गाने का गुण चलो दिया है, किसी को वेट लिफ्टिंग का गुण दिया है मतलब शारीरिक सौष्ठव वैसे दिया है, किसी को बुद्धि का गुण दिया है, किसी को रूप का गुण दिया है, किसी को किसी खेल का स्पोर्ट्स का गुण दिया है, किसी को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का गुण दिया है, हमको कौन सा गुण दिया है और वो जो गुण हमको मिला उसका उस गुण का हमने कैसे उपयोग किया कि अल्टीमेटली एक बेहतर विश्व बना। और ये चीजें जो लोग समझते हैं वो लोग साथ अपने आप आते ही हैं, ईश्वर उनको साथ में लाता ही है, जिस प्रकार से हम और आप साथ में आए। और नेचुरली जब हम और आप साथ में आए तो ऐसा कुछ तो करना ही था कि जिससे इसके बारे में अवेयरनेस फैले और हेल्थ को लेकर के, हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो एक बेहतर जगत बनेगा, एक और एक बेहतर इंसान बनेगा, और उसको पहचान दिलाने के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का स्वरूप देना भी जरूरी था। एक यादों के तौर पर, एक पब्लिसिटी के तौर पर, और कुछ एक एकम्प्लिशमेंट हमको फील हो उसके तौर पर। तो इसीलिए ओवरऑल ये सब चीजें मिल करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो है वो डिसीजन लिया गया, और उसमें आपका साथ मिला तो और भी सोने पे सुहागा हो गया। साथ तो मतलब आपका साथ मिला, ये तो मैं कहूंगा ये तो स्टेज तक की, स्टेज की बात थी कि हम और आप स्टेज शेयर करते रहे, लेकिन साथ जो असंख्य अन्य लोगों का हम दोनों को मिला, ये हम दोनों इस बात को मानेंगे कि हम दोनों अपने दम पे इसको नहीं कर पाते थे अगर बाकी सभी लोगों का साथ हमको नहीं मिलता था। बिल्कुल ठीक कहा जाए सर आपने, क्योंकि रिकॉर्ड तो हमें बनाना था लेकिन ऑडियंस भी तो चाहिए थी जो लगातार इतनी देर तक सुन सके। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की पहली रिक्वायरमेंट थी कि आपको मिनिमम इतने ऑडियंस लगातार इतने देर तक सुने, ऐसे ऑडियंस भी होने चाहिए। वो ऑडियंस को बुलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय कितने लोगों को मोटिवेशन मिला होगा अपने स्टेटस को चैलेंज करने का, और कितने लोगों ने उसको फील किया होगा उस वाइब्रेशन को, उस एनवायरमेंट को। तो उस समय तो मैं नहीं था, लेकिन आज मैं पहली बार वो वीडियो देखा है यहाँ पे, लाइव देख रहा हूँ आपकी लोगों को। अब जो एक कंटेंट था हमारा मैसेज में गया हुआ था कि वॉज गोइंग टू अनलॉक इन टूडे शो, कि अभी तक तो सेलिब्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले सर मैं अजय सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेटस को होता क्या है, लोगों को अपना पहले ये कम पता चले कि व्हाट इज द स्टेटस को। जैसे अभी स्वामी जी ने कहा यथा स्थिति, जब स्थिति अगर बदल नहीं रही है, या स्थिति स्थिति दो तरीके से बदल सकती है, या तो आपका डाउनफॉल हो रहा है तो भी हम बोल सकते हैं कि भाई हम स्टेटस को में नहीं है, डाउनफॉल हो रहा है, और एक स्टेटस को हटाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपका डाउनफॉल हो या आप जो है आपका उत्थान हो। तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर उत्थान की ही बात कर रहे हैं, तो न डाउनफॉल हो रहा है और न उत्थान हो रहा है, तो वो जो लाइफ की एक स्थिति है उसको जो है वो हम उसको हम नाम देंगे स्टेटस को, क्योंकि स्थिति चेंज ही नहीं हो रही है, उसी नौकरी में वहीं पर फंसे हुए हैं, न नीचे जा रहे हैं न ऊपर जा रहे हैं। और ये बड़ी पेनफुल, ये बड़ी ये पिंजरे में फंसने वाली स्थिति रहती है। एक पंछी जो रहता है पिंजरे के अंदर में, वो एक स्टेटस को में रहता है, वो कहीं उड़ नहीं सकता, कहीं नहीं जा सकता, जहां पिंजरा रख दिया वहां पर उसको रख दिया जाएगा। और ये हमारी जिंदगी भी एक पिंजरे की भांति हो जाती है, तीन चार स्किल सीख लिए, एक आध भाषा सीख ली, एक दो रिश्तेदारी के कुछ लोग हैं, कुछ मित्र हैं जो हमेशा उसी तरह की बातें, ये भी तो एक पिंजरा ही है, ये भी तो एक स्टेटस को ही है, और ये आपको बांध करके रख देता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, आपको नीचे लेके जा सकता है लेकिन आपको बढ़ने नहीं देता। याद रखिए जिंदगी जो है वो लगातार नीचे जाने वाले एस्केलेटर की तरह होती है। अगर आप एस्केलेटर, एक एस्केलेटर आप सब मॉल्स में गए हैं वहां पर आपने एस्केलेटर देखा है, एस्केलेटर ऊपर जाने वाला होता है, नीचे जाने वाला भी होता है, जिंदगी जो है नीचे जाने वाले एस्केलेटर की तरह होती है। उस एस्केलेटर पर अगर हम सिर्फ खड़े हो जाएं तो कहां पहुंचेंगे सर्वेश, नीचे नीचे जाने वाले एस्केलेटर पे अगर हम खड़े हो जाए, स्टेटस को हो जाए, तो हम कहां जाएंगे, हम नीचे जाएंगे, बेस पर पहुंच जाएंगे। मीन्स स्टेटस को में कुछ नहीं करना, मीन्स स्टेटस को वो तो बाय डिफॉल्ट नीचे ही जा रहा है। उस
नीचे जाने वाले, अब आपने देखा होगा कुछ बच्चों को खेलते हुए नीचे जाने वाले एस्केलेटर पे कुछ बच्चे ऊपर दौड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं, आपने भी कभी ना कभी बचपन में किया होगा, काफी सारे बच्चों ने किया होगा, तो आपने याद रखा होगा कि जितने तेजी से एस्केलेटर नीचे जा रहा है उतनी तेजी से हम दौड़ते हैं तब हम वहां पर रहते हैं, और हम उस नीचे जाते हुए एस्केलेटर के टॉप पर कब पहुंचेंगे, जब हमारी ऊपर जाने की स्पीड एस्केलेटर की नीचे जाने की स्पीड से अधिक होगी तभी हम उस एस्केलेटर के टॉप पर पहुंचेंगे। और एक इंसान के रूप में, एक इंसान के रूप में यही हमारा कर्तव्य है, यही तो कर्म है, यही तो कर्तृत्व है, यही तो पुरुषार्थ है, यही तो पुरुषार्थ है, एक दिन तो मरना सबको है, तो यही तो कर्म है, यही तो पुरुषार्थ है। अब हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करेगा, कोई डॉक्टर बन के कर रहा है, हमारे महेश जी जो है वो वॉन्डरिंग स्वामी बन के अपने तरीके से कर रहे हैं क्योंकि वो गुण उनको ऊपर वाले ने दिए हुए हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि इफ यू आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड यू आर एक्चुअली गोइंग बैकवर्ड, यू आर एक्चुअली गोइंग बैकवर्ड। साइकिल चक्का तभी तक खड़ा रहता है जब तक वो आगे जा रहा है, आप चक्के को सिर्फ ऐसा स्टेटस को में खड़ा करके दिखा रख सकते हो क्या, चक्के को साइकिल का चक्का इमेजिन करो ऐसी खड़ा रख सकते हो क्या उसको, नहीं, चक्का कब खड़ा रहेगा जब तक वो आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ेगा तो चक्का खड़ी अवस्था में रहेगा, जहां रुका वहां चक्का गिर जाएगा, यही स्थिति हमारी जिंदगी के साथ भी है, इसलिए स्टेटस को ना आने दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए, आप जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए, आप जिंदा हो इसका अर्थ ही यह है कि अभी कुछ करना बाकी है। एक किसी महान दार्शनिक से कुछ बातें हो रही थी, वहां पे उनसे पूछा गया कि भाई इंसान का काम जिंदगी में खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, भाई मेरा काम इस जिंदगी में खत्म हुआ कि नहीं हुआ, इस विश्व में मेरा काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, उन्होंने एक सिंपल जवाब दिया, अगर जिंदा हो मतलब अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी और कुछ करना बाकी। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट स्टेटस को, और वो जो स्टेटस को से रिलेटेड माइंडसेट। अब ये अलग अलग काम क्या हो सकते हैं वो तो हर एक के प्रोफेशन और इंटरेस्ट और टैलेंट के हिसाब से, ये तो हमेशा लगा ही रहेगा, तो ये लगा रहेगा, तो इसको कैसे झेला जाए, चैलेंजिंग स्टेटस क्यों। मुझे पक्का पता है कि दर्शकों के दिमाग में भी एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि स्टेटस क्यों, क्या है, पता चल गया, क्या होता है वो पता चल गया, लेकिन कैसे होता है, हाउ टू चैलेंज स्टेटस। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, यस अजय सर, हाउ टू चैलेंज स्टेटस, ये अंतर से हमारे कोर से आना चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात डॉक्टर अनिल ने कही कि देखिए दुनिया में चाहे आप चाहे ना चाहे दुनिया तो बदल ही रही है, राइट, दुनिया तो बदल ही रही है, तो टेक्नोलॉजी में चेंज तो आती ही रहेंगे। अभी जो है पहले केस में एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं, पहले जो है अगर कोई आपसे 20 साल छोटा है ना, तो उसको नेक्स्ट जनरेशन का मान लिया जाता था कि भाई अगले जनरेशन, मतलब आई एम लाइक एन अंकल टू हिम, क्योंकि पहले 15 16 17 की उम्र में शादियां हो जाया करती थी और 18 19 की उम्र तक लोग जो है वो बाप बन जाते थे, तो अगर कोई 18 19 साल मुझसे छोटा है मतलब नेक्स्ट जनरेशन का नेक्स्ट जनरेशन का व्यक्ति है, ऐसा हुआ करता था, क्यों, क्योंकि तो और टेक्नोलॉजी भी उतनी ज्यादा चेंज नहीं हो रही थी, मेरे परदादा और मेरे दादाजी के बचपन में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन मेरे दादा और मेरे पिताजी के बचपन में काफी डिफरेंस था, मेरे पिताजी का बचपन और मेरे बचपन में काफी ज्यादा और भी ज्यादा डिफरेंस था, मेरा बचपन कैसे रहा और मेरी बेटी का बचपन कैसा रहा उसमें और भी ज्यादा डिफरेंस जो है वो हो गया है। कहने का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी की स्पीड बढ़, स्पीड ऑफ चेंज, एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं, वो बढ़ते जा रहा है। अब मेरा तो ऐसा मानना है कि अब अगर कोई आपसे 6 साल छोटा है मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन का है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो जो है हम 6 साल उससे पीछे हैं, मतलब वो टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा तेजी से, उतने ज्यादा तेजी से अडॉप्ट करेगा। अब 6 साल का डिफरेंस है तो इट इज लाइक अब मैं अपने बेटी से जो है 28 साल बड़ा हूं, तो एक तरीके से परदादा और ये वाला डिफरेंस है, परदादा और परपोती वाला डिफरेंस है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो इतने आगे है। अगर
अगर मैं अपनी स्पीड वैसी बना के नहीं रखता हूं तो, नहीं तो मेरा एक और फेवरेट कोट है कि मैं बिछड़ जाऊंगा पिछड़ जाऊंगा। तो बिछड़ जाना और पिछड़ जाना ये तब, अब ये कहां से होगा, ये हमारे अंदर से होगा। अगर मैं अपने बेटी के साथ में, और अब गुरु की व्याख्या भी चेंज हो गई है, अब टीचर वो नहीं जो आपसे बड़ा है, अब टीचर वो होता है जो आपसे छोटा है। आज स्टूडेंट को टीचर से ज्यादा मालूम है क्योंकि उसके पास में गूगल है। आज एक पेशेंट शायद ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर के आ सकता है डॉक्टर के पास में क्योंकि उसके पास में ये है। तो मेरा कहने का मतलब, अब गुरु, अब टीचर का मतलब जो है वो चेंज हो गया है। अब हर वो व्यक्ति जो कोई भी चीज मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है उसे सीखने का समय आ गया है। उम्र चाहे जो भी हो, मुझसे छोटा व्यक्ति ज्यादा बेहतर गुरु हो सकता है बजाय इसकी कि कोई मेरे से बड़ा पर लेकिन जो पिछड़ गया है पिछड़ गया। सो करना क्या होगा, हमारे अंतर में वो गुण लाने पड़ेंगे जिसकी बात अभी डॉक्टर अनिल गुप्ता कर रहे थे कि आई हैव टू चेंज, आई हैव टू कीप अप, आई हैव टू कीप अप विद द एस्केलेटर विच इज गोइंग डाउन। और नीचे जाते हुए एस्केलेटर में मेरी ऊपर दौड़ने की स्पीड उस एस्केलेटर से ज्यादा रखनी पड़ेगी तभी मैं टॉप पर जो है वो पहुंच पाऊंगा। ये एक अंतर की भावना है कि ये जो इवोल्यूशन जो हो रहा है, ये जो विकास हो रहा है, ये विकास में मैं कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं या ये विकास का मैं शिकार बनना चाहता हूं। अगर मैं विकास में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो मुझे अपनी स्पीड वैसी बना के रखनी पड़ेगी। और अगेन, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसके लिए अगर मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा तो नई चीजें सीखना आसान होता है। अगर मैं स्टेटस को में लंबे समय तक रहा तो नई चीज सीखना उतना ज्यादा कठिन होता है, ये भी आपने देखा होगा। अगर मैं टच में रहता हूं तो नई चीजें ज्यादा अच्छे से सीखूंगा। अगर आईफोन 3-4 जो आता था उससे, उसके बाद में मैं सीधा आईफोन 12 की कोशिश करता हूं तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन आईफोन के बाद मैं आईफोन 5 से अभ्यस्त हुआ, फिर आईफोन 6 से अभ्यस्त हुआ, फिर आईफोन 7 से अभ्यस्त हुआ, तो जब i12 जब वो आएगा तब मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। पर वो भावना अंतर से आनी चाहिए कि मुझे लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट अ सिंगल एक्ट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अब अगर आज मैं ये कहता कि अरे नहीं भाई, वो जूम वूम अपने से नहीं जमता, अपने को तो सामने ऑडियंस चाहिए, तो मैं तो पिछड़ गया, बिछड़ गया, खत्म, गॉन, कोई नहीं पूछने वाला, किसी को याद भी नहीं रहेगा अजय शेष कौन। आज अगर डॉक्टर अनिल गुप्ता बोले कि अरे नहीं भाई, मैं तो चिट्ठी लिखूंगा, बोलेंगे सर आप लिखते रहिए चिट्ठी। सो ऑल ऑफ अस जो आज यहां पर बैठे हुए हैं, हमने अपने आप को सिखाया कि भाई अब जूम के माध्यम से ही बात करनी होगी। सो व्हाट आई मीन टू से इज, इट इज अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ माइंड, और ये अंदर से आती है चेंज की भावना, और लगातार चेंज होते रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं हवा में झूलते हुए पत्ते की तरह बन जाऊंगा, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाऊंगा, इररिलेवेंट हो जाऊंगा, और फिर मुझे जीने का कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा, और वो यू स्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रेस में बदल जाएगा। ये भावना हमारे अंदर है। और जल्द से जल्द एक कॉपी पर मैं जो है अपना एक खत जमाना चाहूंगा और उसको, बिल्कुल सर, फर्स्ट कॉपी आपके लिए। जी सर। तो सर, पानी भी फ्रेश रहने के लिए लगातार मूव करता है, भी आपने बताया, उसी तरह इंसान की भी एक नियति होती है कि अगर उसको सफल और संतुलित जीवन लगातार जीना है तो उसको भी अपने स्टेटस को चैलेंज करना है। एंड आप तीनों लोगों ने लगातार अभी इस डिस्कशन में यही बात बताई है, अभी आपने फिर से चैलेंज किया है लॉकडाउन में। अभी मैं अजय शेष सर को बताना चाहूंगा कि मैं फेसबुक चलाता हूँ सर, और आपके ट्रेनिंग के कोर्सेज के एड मुझे अलग से दिखने लगते हैं सर, हर जगह मुझे दिखते हैं, एंड बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं उस पर सर। उसी तरह फिर अनिल सर के साथ, फिर फैन फॉलोवर स्वामी जी के, तो लगातार जो चैलेंज किया है आप लोगों ने अपने स्टेटस पर सर, और सफल और संतुलित रखा है, चाहे परिस्थितियां जैसे भी रहे उसी में आज ये शो था। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली जैसे स्वामी जी ने और अनिल सर ने बोला कि पांच जो हमारे लेयर है बॉडी के, उसका संतुलित होना और बहुत जरूरी है, उसका ठीक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन का जरूर पूछूंगा, और जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उसमें से
थोड़ा सा एक उसका एक्सप्लेनेशन छोटा सा सर कि ड्राइविंग फैक्टर होता है, हर चीज के लिए ड्राइविंग फैक्टर होता है सर, लाइक कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो लगातार हमें पुश करती रहती है, तो जो स्टेटस को हम चैलेंज करते हैं उसके लिए ड्राइविंग फैक्टर जो है वो गोल होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या और कुछ। अजय सर आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से गोल्स जो है वो सेकेंडरी होते हैं, पहले हमारा होता है, जैसे पहले हमारा एक लाइफ का एक मिशन या एक लाइफ का एक पर्पस होता है। मैं तो हमेशा इसको चार सीक्वेंस में लेता हूँ, ये एक अपने आप में एक पूरा साइंस है, अपने आप में एक पूरा टॉपिक हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, ये ह्यूमन, ये इंसानी जीवन मुझे क्यों मिला, ये इंसान के रूप में ईश्वर ने क्यों भेजा, ये हायर कॉन्शियसनेस जो एक इंसान की, या एटलीस्ट हमको लगता है कि हमारे कॉन्शियसनेस लेवल्स अन्य प्राणियों की तुलना में ज्यादा है, वो बना के क्यों भेजा, वो क्या पर्पस था उसका, मैं इवोल्यूशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लाइफ का पर्पस क्या था, वो सबसे बड़ा नेचुरल ड्राइविंग फोर्स है, कुदरत ने दिया हुआ ड्राइविंग, या जो ड्रैगन फोर्स जो आप बोलते हो, या ड्राइविंग फोर्स जो अपन बोल सकते हैं वो होता है। उसके बाद में आता है कि मिशन, कि ठीक है इवोल्यूशन में मुझे कंट्रीब्यूट करना है, पर इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कैसे करना है, तो मेरे लिए जैसे अलग अलग तरीके से मैंने, डॉक्टर अनिल ने, स्वामी जी ने, वी हैव डिसाइडेड टू बिकम टीचर्स इन अवर ओन वेज, टीचर्स बाय सेल्फ एग्जाम्पल नॉट थ्योरी, टीचर्स बाय सेल्फ, खुद किया और अपने खुद के एग्जाम्पल से बताया, राइट। सो सबसे पहले तो पर्पज ऑफ लाइफ, उसके बाद में है कि वो मिशन, और वो क्या मिशन मैं पकड़ता हूं, और वो कौन सा मिशन मैं लेता हूं, वो उसके लिए नेचुरल स्ट्रेंथ सुपर वाले ने मुझे दिए हैं। मुझे मेरा मिशन ये नहीं हो सकता कि मैं ओलंपिक चैंपियंस कैसे बनूं, वो गुण मेरे अंदर में नैसर्गिक रूप से नहीं है, मेरे अंदर में गुण है कि लोगों को का जो थिंकिंग, लोगों का थिंकिंग प्रोसेस और लोगों का इमोशनल प्रोसेस अपने तरीके से कैसे बेहतर करूं, ये मेरा मिशन है। अब इस मिशन से निकलता है मेरा विजन कि वो कौन सा माउंट एवरेस्ट गोल मैं अचीव करना चाहता हूं, एक दो मैं अचीव कर चुका हूं गिनीज रिकॉर्ड के माध्यम से, ये सांसारिक चीजें जो मुझे अचीव करनी है एज एन एग्जाम्पल पेश करने के लिए और स्वयं के सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके असर के लिए, ये नंबर्स हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, ये असर का प्रूफ हो सकता है, ये वो हो सकता है, जिसको हम विजन बोलते हैं, जिसको मैं एनविजन कर सकता हूं, जिसको मैं देख सकता हूं, जो काम एक दिन खत्म हो जाएगा, विजन एक दिन अचीव हो जाता है और मैं अगले विजन की तरफ बढ़ जाता हूं। मिशन कभी खत्म नहीं होता, मिशन हमेशा रहेगा, एक बेहतर दुनिया बनाना, ये मिशन कभी खत्म नहीं होगा मेरा कि भैया बेहतर दुनिया बन गई, अजय शेष का काम खत्म हो गया, ये कभी नहीं होगा, पर विजन एक दिन जो है वो खत्म हो जाता है और मैं अगले विजन की तरफ जो है वो बढ़ जाता हूं। तो पर्पस ऑफ लाइफ, मिशन, विजन, उस विजन को अचीव करने के लिए मैं बहुत सारे गोल्स बना सकता हूं, राइट। तो गोल तो मैं तो कहूंगा चौथे नंबर पे आता है। इशू ये है कि अगर मैं मेरा गोल, अब होता है कि जब हम दसवीं में होते हैं हमको लगता है यार दसवीं में अच्छे नंबर आ जाए तो जिंदगी बन जाए, इट इज अ गोल, इट इज नॉट पर्पज और लाइफ की, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। दसवीं पास होके ग्यारहवीं में हम आते तो हमको लगता है यार ये तो कुछ नहीं था, जिंदगी तो अब शुरू हुई है, फिर लगता है यार बारहवीं में, माँ कसम बारहवीं में अच्छे नंबर आ जाए तो जिंदगी मेरी सुधर जाए, फिर बारहवीं भी हो जाता है और फिर वो लगता है पीएमटी में हो जाए, पीटी में हो जाए, आईआईटी में हो जाए, जो भी है वो आईआईटी में भी हो गया, अब आईआईटी शुरू होता है तो लगता है यार ये तो अब शुरुआत है। अगेन आप समझे ना कैसा विजन बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, बदलता है, अब आईआईटी भी हो गया, अब बोले एमटेक करना है, अब एमटेक भी कर लिया, अब एक बेहतर दुनिया कैसे बनाया, उस पॉइंट पर, उस स्टेज पर समझ में आता है यार मेरे लाइफ का पर्पस क्या है और बेहतर दुनिया में कैसे बना सकता हूं, और तब तक समझ में आ जाता है कि ऊपर वाले ने कुदरती रूप से मुझे क्या गुण दिए हैं, ये 17-18 की एज में समझ में नहीं आता। इसीलिए सबसे पहले गोल समझ में समझो, उसके बाद में विजन समझो, तब तक आप मिशन समझने के लायक हो जाओगे और उसके बाद ही आपको लाइफ का पर्पस समझ में आएगा, इसके लिए मैच्योरिटी लगती है। और मेरा ऐसा मानना है कि कई बार मैच्योरिटी आने तक ये समझ में आ जाता है कि यार मेरे शुरुआती गोल्स जो मैंने ले लिए थे मुझे अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। मैं और डॉक्टर अनिल गुप्ता प्राइम एग्जाम्पल है, वी आर मेडिकल डॉक्टर्स,
हमने अराउंड द एज ऑफ 35 ये समझा कि नहीं यार, हमारा पर्पस एग्जैक्टली इस लाइन में नहीं जाता, इस लाइन में जाता है, तो इसका बेस्ट क्या ये हो सकता है। सो अगेन गोल की बात अगर तुम करोगे तो गोल तो मैं कहूंगा नंबर 4 पे आता है। लाइक इन योर बॉडी, आपके घर में, आपके हाथों में होगी, आपके आपके सामने होगी, और शायद आप पढ़ के वो फिजिकल और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को समझ पाएंगे, इंटीग्रेटेड मेडिसिन को समझ पाएंगे, और शायद अपने लाइफ को सेवन डायमेंशनल बैलेंस बना पाएंगे, बाउंस बैक भी कर पाएंगे और संतुलित जीवन व्यतीत करेंगे। सो बॉडी बियॉन्ड बॉडी बहुत जल्दी लॉन्च होगा, सारा डेट सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेंगे, आपने झलकियां देखी आज, अपने झलकियों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी झलकियां देखा, जिसमें शेष सर और अनिल सर थे, बहुत सारी मानसर होगा की, और लाइफ की जर्नी के बारे में स्वामी जी के द्वारा बहुत दिल से बात हुआ है सर, डेफिनेटली अपने स्टेटस को कोई जर्नी में कैसे कैसे चैलेंज करके आज इस कंडीशन पर, मुझे पक्का पता है कि आज से 2 या 3 साल बाद अगर ये 3 मास्टर्स का कोई इंटरव्यू सेशन हो रहा होगा तब भी आप सभी दर्शकों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि चलते रहते हैं, सफर अभी जारी है, लाइफ इज अ जर्नी, इट्स गोइंग ऑन। सो एक कंक्लूजन, एक शॉर्ट मैसेज के साथ मैं सेशन एंड करना चाहूंगा सर, एंड यस अजय सर, बस अगेन सेशन का एंडिंग उसी प्रश्न, उसी टॉपिक और एक उस टॉपिक से जो प्रश्न निकलता है उसके साथ ही मैं बहुत शॉर्ट में करना चाहूंगा। हर व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि ये जो स्पीशीज का जो इवोल्यूशन जो हो रहा है, विकास का जो हो रहा है, क्या उस विकास में मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं या उस विकास में मैं बाधा बन। मैं भले अगर उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं तो कम से कम ऐसा जीवन जीऊं कि कम से कम ये मानवता का जो विकास है कम से कम उसमें बाधा तो ना पड़े। आइडियली मैं अपना जीवन एक ऐसा जीऊं कि अपने तरीके से मानव जीवन, मानवता के विकास में मैं सहायक बनूं, ये अगर मुझे समझ में आ जाता है तो मेरा जीवन काफी हद तक सफल हो जाता है। उसके लिए फिर पर्पज और फिर उसके बाद में मिशन और विजन और उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स अचीव करना, ये सब मुझे समझ में आ जाता है। थैंक यू सर।